यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यूपी की पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई को प्रयागराज के एक अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए लेकर जा रही थी। अतीक उस वक्त मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा था, तभी अचानक 3 हमलावर पहुंचते हैं और अतीक अहमद को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारते हैं। उसके बाद अशरफ भी वहां पर मारा जाता है। जो अतीक अहमद पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, वो अतीक अहमद आखिर था कौन, उसे क्यों मारा गया, कैसे वो जराइम की दुनिया में आ गया, 44 सालों से कैसे वो जुर्म के दुनिया का बेताज बादशाह बनकर बैठा था, कैसे अतीक अहमद के खिलाफ लोग चू तक नहीं कर पाते थे और कैसे वो विधायक से सांसद बना। तो आज के इस वीडियो में हम अतीक अहमद की पूरी कुंडली बताएंगे आपको, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। 25 जनवरी 2005 का वो दिन था, इसके अगले दिन गणतंत्र दिवस था, देश भर में जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही थी। प्रयागराज को तब इलाहाबाद कहा जाता था और यहां भी लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। इसी बीच शहर के पुराने इलाकों में शुमार सुलेम सराय में गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। कुछ लोग एक गाड़ी को घेर कर उस पर गोलियां बरसाए जा रहे थे। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले सैकड़ों राउंड गोलियां वहां पर चलाई जा चुकी थी। गाड़ी में सवार लोगों का पूरा शरीर छलनी हो चुका था। जिस गाड़ी पर हमला हुआ था उसमें कोई और नहीं बल्कि इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक राजूपाल बैठे थे। राजूपाल खुद क्वालिस गाड़ी चला रहे थे। उनके बगल में दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी हुई थी, जो उन्हें चौफटका के पास मिली थी। इसी गाड़ी में संदीप यादव और देवीलाल भी बैठे हुए थे। पीछे स्कॉर्पियो में ड्राइवर महेंद्र पटेल और ओम प्रकाश और नीमा के सैफ समेत 4 लोग बैठे हुए थे। दोनों गाड़ियों में एक एक सिपाही भी थे। बदमाशों ने फायरिंग रोकी तो समर्थक राज्यपाल को एक टेम्पो में बिठाते हैं और लेकर अस्पताल में जाने लगते हैं। हमलावरों ने यह देखा तो उन्हें लगा कि राजू जिंदा है, तो तुरंत हमलावरों ने अपनी गाड़ी टेम्पो के पीछे लगा ली और फिर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 किलोमीटर तक वो टेम्पो का पीछा करते रहे, तब तक जब तक राजूपाल अस्पताल पहुंचे, उन्हें 19 गोलियां मारी जा चुकी थी। डॉक्टरों ने राजूपाल को मृत घोषित कर दिया। 10 दिन पहले ही राजूपाल की शादी पूजा पाल नाम के लड़के से हुई थी। राजू बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, लेकिन यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी की थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। राजू की हत्या का आरोप तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद पर लगा। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। इधर राजूपाल की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। राजूपाल के समर्थक सड़कों पर उतर आए, देखते ही देखते पूरा शहर जल उठा। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी और पथराव शुरू हो चुके थे। अब इस घटना के पीछे की वजह समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलना होगा। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक अहमद का जन्म होता है। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर पूरे परिवार का गुजारा करते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इसी बीच वो इलाके के कई बदमाशों की संगत में आ गया था। बहुत जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। साल 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा कहा जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता, हर कोई चांद बाबा से परेशान था। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया। पुलिस और नेताओं से उसकी साठगांठ हुई और कुछ ही सालों में वो चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। जिस पुलिस ने अतीक अहमद को शह दे रखी थी, अब वही उसकी आँख की किरकिरी बन गया। साल 1986 में किसी तरह से पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार तो किया, इस पर उसने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाया। दिल्ली से पौन पहुंचा और अतीक अहमद जेल से बाहर हो गया। जेल से छूटने के बाद अतीक ने साल 1989 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और यहाँ पर उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से था। दोनों के बीच गैंगवॉर शुरू हुआ। अतीक की दहशत से पूरा इलाहाबाद कांपा करता था। कब्जा, लूट, छिनैती, हत्या, ये सब उसके लिए आम बात हो गई थी और इसी की बदौलत वो चुनाव जीत भी गया। इसके कुछ महीनों के बाद ही बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। चांद बाबा मारा गया तो पूरे इलाहाबाद नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलने लगा।
साल 1991 और 1993 में अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर हार गया। और फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से पांचवीं बार विधायक बना। 8 अगस्त 2002 की बात है, तब सूबे में बसपा का शासन था और मायावती मुख्यमंत्री थी। अतीक को किसी मामले में पुलिस ने पकड़ा था और उसे जेल भेज दिया गया। पेशी के लिए 8 अगस्त को उसे कोर्ट लेकर जाया जा रहा था। इसी बीच उस पर गोलियों से और बम से हमला हो गया। इसमें अतीक अहमद घायल हो गया, लेकिन उसकी जान उस वक्त बच गई। तब अतीक ने मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगाया था कि वो उसे मरवाना चाहती हैं। अतीक आतंक का पर्याय बन चुका था। उसकी दहशत ने आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। अतीक अहमद का खौफ इतना ज़्यादा हो गया था कि शहर के पश्चिमी से कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़ने से भी डरा करता था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद ने सपा के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीता। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। इस सीट से अब वो अपने छोटे भाई जिसकी हत्या भी हुई है, अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। अतीक की जिंदगी में राजूपाल की एंट्री जानने से पहले राजूपाल की थोड़ी सी कहानी आपको बताते हैं। राजूपाल भी शहर पश्चिमी के ही रहने वाले थे। कहा जाता है कि उस वक्त राजू पर भी लूट छिनैती जैसी घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगातार लगते थे। कहा तो ये भी जाता है कि एक समय अतीक अहमद का राजूपाल खास हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों के बीच खटपट हुई। 2002 में राजू ने भी राजनीति में एंट्री मारी और इसके बाद से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। साल 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बना तो इलाहाबाद शहर के पश्चिमी सीट से उसके छोटे भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजूपाल को टिकट दिया। राजूपाल इस चुनाव में जीत गए। विधायक बनने के 3 महीने के बाद करीब 15 जनवरी 2005 में राजूपाल ने पूजा पाल से शादी की। शादी के ठीक 10 दिन के बाद 25 जनवरी 2005 में राजूपाल की हत्या हो गई। हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। इसके बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने राजू की पत्नी पूजा पाल को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो हार गई। अशरफ चुनाव जीता। हालांकि 2007 में हुए चुनाव में पूजा पाल जीती। साल 2007 तक अतीक आज़ाद था और तब सरकार उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन इसके बाद से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। साल 2007 में जब मायावती सत्ता में आई, सत्ता से जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उधर मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू कर दिया। 20,000 रुपये का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड गैंगस्टर घोषित कर दिया गया। उस वक्त अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें चाहे हत्या हो, हत्या की कोशिश हो, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे बड़े बड़े केस हैं। अतीक के ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजूपाल की हत्या का आरोप लगा। साल 2012 का विधानसभा चुनाव भी अतीक ने लड़ा, लेकिन वो हार गया। उसे राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दद्दन मिश्रा से वो चुनाव हार गया। दिसंबर 2016 में मुलायम सिंह ने 2017 विधानसभा चुनाव के लिए अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के सीआरएस कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने के लिए कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अधिकारियों को भी उस वक्त धमकी दी थी। वीडियो वायरल हुआ। ये मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। उस वक्त अतीक का ये काफिला सुर्खियों में बना हुआ था। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बन चुके थे। अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। सीआरएस कॉलेज मामले में हाईकोर्ट ने अतीक को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। फरवरी 2017 का वक्त आया, तब अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में बंद था। 2019 के आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर उसकी जमानत जब्त हो चुकी थी। और साल 2017 में यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ बने, जब फूलपुर सीट से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्या
डिप्टी सीएम बने, उन्हें फूलपुर की सीट छोड़नी पड़ी। सीट पर उपचुनाव का जब ऐलान हुआ तो जेल में बैठे अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव का फॉर्म डाल दिया। हालांकि अतीक अहमद को फिर से हार मिली। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में वो जेल में बैठकर वाराणसी की सीट से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर से उसकी जमानत जब्त हो गई। योगी के मुख्यमंत्री बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच पड़ताल शुरू हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक अतीक की करीब 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है। अतीक का भाई अशरफ भी मरियाडीह डबल मर्डर मामले में यूपी के बाराबंकी जेल में बंद था। अतीक के बेटों की बात की जाए तो उसके 4 बेटे थे, 2 नाबालिग तो बाल सुधार गृह में फिलहाल बंद थे। एक बेटे का उमेश पाल हत्याकांड के बाद एनकाउंटर हुआ ही अभी हाल में, एक बेटा जेल में बंद है। अतीक के बड़े बेटे उमर पर 26 दिसंबर 2018 को अपने पिता के कारोबारी दोस्त रहे मोहित जायसवाल को किडनैप करने का आरोप लगा। मोहित ने छूटने के बाद इसकी कहानी भी सबको बताई थी। आरोप लगाया था कि उसे देवरिया जेल ले जाकर बहुत पीटा गया था। 2005 में हुई विधायक राजूपाल की हत्या के मामले में उनके रिश्तेदार और दोस्त उमेश पाल के मुख्य गवाह थे। उमेश ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में राजूपाल हत्याकांड की पैरवी की थी और इसी वजह से अतीक गैंग उससे लगातार खुलेआम धमकी दे रहा था। कचहरी में गवाही देने गए उमेश पाल का 28 फरवरी 2008 को अपहरण किया गया था। अपहरण कांड में अतीक और उसके भाई अशरफ समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। अपहरण के उसी मामले में ही बीते शुक्रवार को गवाही थी। उमेश वकील भी थे। वो अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में अपने दोस्त गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह के साथ गवाही के लिए जिला कचहरी जा रहे थे। करीब 4:30 बजे वो कार से वापस सुलेन सराय के धूमनगंज स्थित अपने आवास के लिए चले। जैसे ही गेट पर गाड़ी रोककर उमेश पाल उतरे, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उमेश गोली लगने से गिरने के बाद उठकर घर के भीतर गए और साथ में उनके सुरक्षा में लगे दोनों सिपाही भी उन्हें बचाने के लिए घर के अंदर भागे, लेकिन हमलावरों का जो दुस्साहस था उसका परिचय देते हुए वो घर के अंदर घुसकर कई अत्याधुनिक हथियारों से लगातार गोलियां बरसाई। इस दौरान बदमाशों ने बम्बे चलाए। बम और गोलियों की बौछार से पूरा इलाका थर्रा गया था। इसके बाद हमलावर वहां से बाइक से फरार हो गए। उमेश पाल, सिपाही संदीप और राघवेंद्र लहूलुहान पड़े थे। तीनों को SRN हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने करीब 1 घंटे बाद उमेश पाल को मृत घोषित कर दिया। आजमगढ़ के रहने वाले एक सुरक्षा गार्ड संदीप निषाद की भी चिकित्सकों ने मौत की उस वक्त पुष्टि की थी। बवाल की आशंका को देखते हुए SRN हॉस्पिटल में जिले के 1 दर्जन से ज़्यादा थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया था। धूमनगंज में एहतियातन PSA उस वक्त तैनात की गई थी। उमेश के घर वाले अतीक अहमद और उसके गैंग पर ही वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा रहे थे। आज यानी कि 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में उसी अतीक अहमद और अशरफ को जांच के लिए क्वालिन अस्पताल ले जाते समय 3 हमलावर पहुंचते हैं और बहुत ही बेरहमी से करीब 7 से 8 राउंड गोलियां बरसाकर मीडियाकर्मी के रूप में आते हैं और वो बदमाश वहां पर अतीक अहमद को मारकर वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस उन्हें पकड़ कर अपने कस्टडी में रखी है और उनसे पूछताछ कर रही है। तो अतीक अहमद जो पिछले 44 सालों से आतंक का दूसरा नाम बन चुका था, उस अतीक अहमद की क्राइम कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।